मैया के लकर और पापा के बोलोगे मेरा सभी नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का छठा लेक्चर अबाउट फ्रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है। तो चलिए आज उस मीठे फल को अपन काट के देखते हैं कि भैया इस फल के अंदर क्या क्या चीज रहती है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन करने वाले ये वाला सेक्शन फ्रूट का हो गया, सीड का हो गया और आपके फैमिली का हो गया। चलिए जी शुरुआत करते हैं। फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यानी ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्यों? इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, फ्रूट जो होता है फ्लावर में से ही डेवलप होता है। पहले एक फूल रहता है, एक फूल रहता है, वो फूल के अंदर, अब मैं आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन समझा देता हूँ। ये फूल के अंदर आपका कुछ इस तरह से आपका ये स्टिग्मा रहता है, और समझ लीजिए एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। किसी और प्लांट के स्टेमन पे से आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन आपके यहाँ पहुँचा। पोलन ग्रेन जब यहाँ पे पहुँचता है तो वो पोलन ग्रेन जब नीचे जाता है तो वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और वो एक आपका सी वो बनाता है, वो फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, एम्ब्रियो जब आगे जाके डेवलप होता है तो वो एक फ्रूट बनाता है जिसके अंदर सीड रहता है। तो सीड रहता है ना कभी भी फ्रूट के अंदर रहता है, जैसे आम की गुटलियाँ या आपके एप्पल के सीड्स, ये से आपने कॉमनली देखी हुई चीजें हैं। अभी आम का सीजन चल ही रहा है तो उसमें सीड दिखते हैं, है ना जी, उसमें सीड दिखता है। तो उस सीड को जो कवरिंग रहती है वो उसकी फ्रूट की कवरिंग रहती है। फ्रूट जो होता है उसको, वो फ्लेशी पार्ट जो होता है फ्रूट का, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपका बहुत सारे फ्रूट्स में डबल फर्टिलाइज, बहुत सारे फ्लावर्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ रहती है, ये डबल फर्टिलाइजेशन को मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 12th क्लास में आने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको 12th क्लास में आएगा। तो इसका डबल फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है कि जब पोलन ग्रेन आपका एक्सेल के साथ फर्टिलाइज होता है तो एक्सेल के साथ फर्टिलाइज होकर एन और एन ये 2n बनाते हैं, हैप्लॉइड में एक्सेल और पोलन ग्रेन आपका दोनों साइड फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं। और यही साथ में जो एक और जो पोलन ग्रेन, वही जो पोलन ग्रेन रहता है आपके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ, आपका जो सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है सेंट्रल सेल में, उसके साथ फर्टिलाइज होकर एक ट्रिप्लॉइड एक आपका पेन बनाता है, पेन से वो पेप बनता है, पेन से वो पेप बनता है। पेन क्या, पेप क्या, ये आपको क्लास 12th में पता चलेगा, लेकिन मैं अभी से बता दे रहा हूँ एक ग्लिम्स। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मा रहती है, ये जो होता है ये उस सीड को आगे के स्टेजेस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यही फ्रूट जो अंदर सीड रहते हैं, तो फ्रूट के अंदर कभी भी सीड रहता है, जो अपन जो खाते हैं वो अपन ये पेप और पेन ही खाते हैं, पेप को खाते हैं, पेन पहले रहता है उसके बाद पेप बनता है ना जी। तो अपन पेप को खाते हैं, तो फ्रूट भी कुछ वैसा ही है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन में जब ओवरी राइप हो जाती है तब ये डेवलप होता है। इट डेवलप्स आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन, इट इज अ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी अब अपना जो ये सीड है वो जब फ्लावर वावर सब उसके जो वर्ल्ड से सब अब उसके झड़ चुके हैं, तो यानी जो ओवरी है अब वो राइप हो चुकी है, वो अब पक चुकी हुई ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद ही हो सकता है। अब एक एक्सेप्शनल केस आता है, अब एक एक्सेप्शनल केस आता है क्या, कि अगर फर्टिलाइजेशन के बिना, अगर फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट की डेवलपमेंट हुई, अगर फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बना तो उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये आप याद रखिए, इसके एग्जाम्पल्स आपको चैप्टर मॉर्फोलॉजी में ही, मॉर्फोलॉजी सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एग्जाम्पल क्लास 12th में आखिरी में आएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा का पूरा क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप मॉर्फोलॉजी समझे तब आपको क्लियर माइंड से आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को एकदम ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हैं, है ना जी। तो फ्रूट, इफ अ फ्रूट इज डिफॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑन द ओवर, इट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ द फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, इट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब फ्रूट के जो होते हैं तीन हिस्से रहते हैं, फ्रूट का जो होता है, जो होता है फ्रूट की जो वॉल रहती है, फ्रूट की जो वॉल रहती है वो उसको हम पेरिकार्प कहते हैं, है ना जी, और उसके अंदर फिर सीड रहते हैं।
जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और अ पेरिकार्प एंड द सीड, यानी समझ लीजिए ये मेरा एप्पल का फ्रूट है, समझ लीजिए एप्पल का फ्रूट है। तो ये एक सेकेंड, इसको लाल बनाता हूँ, नीला क्यों बना। हाँ जी एप्पल ही, एप्पल को थोड़ा सा कलर दे दे तो। एकदम एक्यूरेट एप्पल कलर है जी। तो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे बीज रहते ना थोड़े से, तो ये जो रहता है इसके सीड रहते हैं, और ये पूरा का पूरा जो रहता है इसका व्हाइटिश जो मैंने करा वो पेरिकार्प रहता है, वो पेरिकार्प रहता है सीड की आजू बाजू की वॉल। द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड द सीड, द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लेशी। एप्पल के केस में तो वो फ्रेश ही रहती है, लेकिन बहुत केसेस में वो ड्राई भी रह सकती है। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, तो उसका तीन लेयर में डिफरेंशिएशन होता है। जब पेरिकार्प आपका थिक और फ्लेशी रहता है तो उसके तीन लेयर बनते हैं, लेकिन जब वो ड्राई रहता है जैसे कि कोकोनट, उसमें सिर्फ दो लेयर बनते हैं। तीन लेयर कौन सी? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब आपको ये एनिमल किंगडम में मैंने समझाया था कि एपी, एपी, मीजो, एंडो, ये वर्ड आपको समझ जाने चाहिए कि एपी मतलब एपी या एक्सो मतलब आउट, बाहर की लेयर्स, एपिकार्प। तो मीजो मतलब मिडल की लेयर, और एंडोकार्प मतलब आपकी अंदरूनी लेयर, यानी आउटर को आप कहेंगे एपिकार्प, मिडल लेयर को कहेंगे मीजोकार्प, इनर लेयर को कहेंगे एंडोकार्प, इनर लेयर को कहेंगे आप एंडोकार्प। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं कि फ्रूट के पेरिकार्प अगर थिक और फ्लेशी रहे तो उसके तीन लेयर बनेंगे। कौन से तीन लेयर बनेंगे? एंडोकार्प इनर लेयर, मेजोकार्प मिडल लेयर, एपिकार्प आउटर लेयर। आई होप आई मेक माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। है ना जी? तो एपिकार्प क्या थी? एपिकार्प आपकी आउटर लेयर है जो थिन है, ये कोकोनट में एब्सेंट है, ये जो होती है कोकोनट में एब्सेंट होती है। है ना जी? मीजोकार्प जो रहती है वो आपकी मिडल लेयर है, बीच की लेयर है, ये फ्रेशी और एडिबल लेयर है। जो मैंगो में अपन आम की जो फाक, आम का जो अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आम की फाक बोलते हैं हम लोग उसको हमारे यहाँ, या जो आम का स्लाइस रहता है, इंग्लिश में स्लाइस बोलेंगे उसको, जो अपन उसको ऐसा पील ऑफ करके खाते हैं ऐसा दांत के नीचे डाल के, तो वो आपका जो अपन खाते फ्लेशी आम, जो अपन मेन आम के जो फ्रूट में जो खाते है उसको अपन, वही मीजोकार्प रहता है, वो फ्लेशी और एडिबल रहता है। जो छिलका रहता है आम का वो पेरिकार्प रहता है, आपका एपिकार्प रहता है, वो आपका एपिकार्प रहता है। कोकोनट में जो मीजोकार्प रहता है वो फाइब्रस रहता है, जो मीजोकार्प रहता है वो कोकोनट में फाइब्रस रहता है। एंडोकार्प की बात करूं मैं, एंडोकार्प जो होता है इनर, एंडोकार्प जो होता है इनर सबसे लेयर रहती है, ये स्टोनी हार्ड रहती है मैंगो में। कोकोनट में ये एंडोकार्प जो होता है एडिबल रहता है। स्टोनी हार्ड मैंगो में कैसे? आम की गुठली रहती है, तो आम की गुठली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सी बाहर की जो लेयर उसकी बहुत हार्ड है, बहुत ही हार्ड है बाहर की लेयर आम की, अगर देखें तो बहुत ज्यादा हार्ड है। और अगर कोकोनट का एंडोकार्प अपन देखें तो वो एडिबल रहता है। जैसे खोपरा, अपन जो खोपरा खाते हैं वो खोपरा, आप समझे खोबरा बोलते हैं आप, खोबरा है, खोपरा बोलते हैं उसको, है ना जी? तो वो उसका एंडोकार्प हो गया, है ना जी, वो एडिबल रहता है, इसमें से अपन कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये से एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प हो गया, अपन ने ये देख लिया है। फिर अपन मैंगो और कोकोनट को ड्रूप कहते हैं। ड्रूप क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम अ सुपीरियर, आपका सुपीरियर मोनोकार्पिलरी ओवरीज एंड आर वन सीडेड, एंड आर वन सीडेड। आपको पूछा जा सकता है कि वॉट इज अ ड्रूप? सो ड्रूप इज द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। तो मोनोकार्पिलरी मतलब कार्पल उसका एक ही है। वॉट इज अ कार्पल? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्पल क्या रहता है, यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सारा मिला के आपका कार्पल बनता है, मोनोकार्पल लिखा रहता है। मोनोकार्पल यानी जो फ्लावर पे आपका ये बना, उस पे एक फ्लावर पे एक ही कार्पल रहेगा, एक फ्लावर पे एक ही कार्पल रहेगा, मोनोकार्पल। अब जो ओवरी की पोजिशनिंग रहेंगी वो भी सुपीरियर रहेगी, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, यानी आपका आपके जो कैलिक्स है, कैलिक्स से ये ओवरी जो रहेगी सुपीरियर रहेगी, है ना जी? अपन ने कल ही देखा था, कल के ही लेक्चर में देखा था, राइट? तो ओवरी रहेगी वो सुपीरियर रहेगी, है ना? तो
तो ड्रूप कौन से रहते हैं, मैंगो और कोकोनट ही आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, तो वो कैसे रहते हैं, वो आपके ड्रूप के फॉर्म में रहते हैं, वो आपके ड्रूप के फॉर्म में रहते हैं। तो ड्रूप आपका जो रहता है वो आपका मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज से बनता है। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज मैंने समझा दिया कि एक फ्लावर पे एक ही कार्पल रहेगा और उसकी जो ओवरी रहेगी वो भी आपके कैलिक्सिस से सुपीरियर रहेगी और वो जो फ्रूट बनेगा वो वन सीडेड बनेगा। आप देख सकते हैं आम को, आम जो होता है वन सीडेड, एक ही गुठली रहती है उसमें, है ना जी। तो ये आपको मैं आई होप समझा पा रहा हूँ। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, अ फ्लैशी मिडल मीजोकार्प एंड इनर स्टोनी एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस और जो एंडोकार्प रहता है वो एडिबल रहता है। तो आपको पूछा जा सकता है, इज आपको स्टेटमेंट का इनकरेक्ट करेक्ट में दिया जा सकता है कि इन मैंगो एंड कोकोनट एपिकार्प इज प्रेजेंट एज इट इज अ ड्रूप। असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, या फाइंड द फॉलोइंग में से इनकरेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने इनकरेक्ट है। नीट के 3 क्वेश्चन बहुत फॉर्मेट में एकदम फॉर्म में चल रहे हैं तो इसमें आ सकता है ना जी। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट ऐसा दिया था तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि एपिकार्प सिर्फ मैंगो में प्रेजेंट रहता है, कोकोनट में प्रेजेंट नहीं रहता। फिर इस पर एक जॉइंट बोला सॉरी मैच द फॉलोइंग आएगा। मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा, एपिकार्प इज एब्सेंट किसमें, कोकोनट मैंगो ग्वावा ऐसा, कोकोनट मैंगो ऐसे 2-3 दे देंगे आपको जॉइंट द मैच द फॉलोइंग में। तो आपको मैच करते रहना चाहिए कि मैं कोकोनट में एपिकार्प इज एब्सेंट, एपिकार्प इज प्रेजेंट इन मैंगो, फ्लैशी एपिकार्प इज इन सॉरी थिन एपिकार्प इज इन मैंगो। या आपको बोल देंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नंबर दे देंगे और आपको मैंगो के कितने और इसके कितने, मैंगो के कौन कौन से, मतलब ABCD वैसे आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको इसके सब कैरेक्टरिस्टिक मेन फ्रूट वाले पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि मैंगो एंड कोकोनट में आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक याद रखने की। मैंगो के इसमें 3 लेयर, एपिकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प। फिर एपिकार्प जो रहती है थिन रहती है, मीजोकार्प जो रहता है फ्लैशी और एडिबल रहता है, और एंडोकार्प जो रहता है हार्ड रहता है मैंगो में। और आपके कोकोनट में एपिकार्प एब्सेंट रहती है, जो अपन देखते हैं वो एंडोकार्प रहता है, एंडोकार्प जो रहता है फाइब्रस रहता है, और मीजोकार्प जो रहता है जो अपन नारियल खाते हैं ना मंदिरों में, जो हनुमान जी के नारियल बढ़ता है वो उसका मीजोकार्प रहता है, एंडोकार्प रहता है। और मीजोकार्प अपना जो नारियल के जो अपन छीलते हैं नारियल, तो अपन समझ लीजिए जूने जमाने में क्या करते थे, जब बॉडी को घसना रहता था नहाते समय तो क्या करते थे, जूने जमाने में नारियल को ऐसा छीलते थे और उसको ऐसा पकड़ के अपने शरीर पे घसते थे जिससे शरीर का मैल निकल जाए। जूने जमाने में हैंड स्क्रबर और रूफा थोड़ा ना रहते थे, वह ये एकदम देसी पद्धति थी कि भैया नारियल के छिलके को छील लिया जाता था और उसको अपनी बॉडी पर रगड़ा जाता था, जिससे भाई बॉडी के हेयर्स को निकाला जा सकता है, बॉडी पे चिपके मेल को निकाला जा सकता है, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता था। तो वो जो छिलका नारियल का रहता है, जो फाइबरस जो धागेदार छिलका रहता है, वो मीजोकार्प है न कि एपिकार्प। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। आई होप मैं आपको फ्रूट वाला सेक्शन समझा पा रहा हूँ और मैं इसी फ्रूट वाला सेक्शन अपन कंप्लीट कर लिया है सब समय। आई होप आपको ये फ्रूट वाला सेक्शन समझ आया होगा। आगे चलते हैं सीड वाले सेक्शन पे, सीड के बारे में देखते हैं। चलिए सीड के बारे में देखते हैं। सो सीड यानी बीज। सो सीड क्या होता है, तो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इन टू द सीड्स, यानी जो ओव्यूल रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के अंदर का जो ओव्यूल रहता है वो सीड बन जाता है। अपन ने कल के लेक्चर में देखा कि प्लेसेंटेशन के अंदर की द प्लेसमेंट ऑफ द ओवरी ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अपन ने सबसे पहली बेसिक एग्जांपल मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखी थी, जिसमें अपन ने मटर की फली देखी थी। मटर की फली मार्जिन पे प्लेस थी, लेकिन वो मटर की जो फली के अंदर जो मटर के बीज थे वो क्या थे, वो ओव्यूल थे, जो मटर के यानी मटर के कवर यानी उसकी ओवरी के अंदर, उसके अंदर मार्जिनल इस पे प्लेस्ड थे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भैया ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप्स इनटू द सीड, यानी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे वही आपके सीड बन जाते हैं। मार्जिनल मटर का एग्जाम्पल क्या था कि मटर मार्जिनल प्लेसेंटेशन का था, यानी जो ओव्यूल्स थे वो मार्जिन पे प्लेस थे और वो मार्जिन पे प्लेस्ड होने के बाद वो इस तरह से मार्जिन प्लेस होने के बाद में मेच्योर के सीड बने फर्टिलाइजेशन के बाद,
है ना जी। तो मैं वही समझाना चाहता हूँ कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। जो सीड होता है वो आपका सीड कोट और एम्ब्रियो से बना हुआ होता है। सीड कोट और एम्ब्रियो, सीड कोट यानी उसको प्रोटेक्टिव कोटिंग जो रहती है सीड की, वो सीड कोट रहता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी आपका जायगोट के बाद और डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट के बाद जो आपका बनता है वो है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ही आपके आपका रेडिकल और प्यूम्यूल रहता है, रेडिकल और प्यूम्यूल रहता है। एम्ब्रियो में रेडिकल और प्यूम्यूल रहता है अलॉन्ग विद द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। रेडिकल प्यूम्यूल अलॉन्ग विद द एम्ब्रियोनिक एक्सिस और उसके आजू बाजू उसके कॉटिलेडॉन्स रहते हैं, कॉटिलेडॉन्स रहते हैं। अगर एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडॉन रहे, अगर एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडॉन रहे तो वो डायकॉट होगा, अगर एक रहा तो वो मोनोकॉट रहेगा। एग्जाम्पल वीट, मेज, और दो कॉटिलेडॉन रहे तो एग्जाम्पल ग्राम और पी। एग्जाम्पल ग्राम और पी, ग्राम मतलब का चना है ना जी। हाँ, एक मेरे से जो मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे प्यूम्यूल नहीं लिखा था, वही नोट्स में मैंने यहाँ पे प्यूम्यूल नहीं लिखा था। मैं पढ़ने में प्यूम्यूल पढ़ा लेकिन लिखने में भूल गया था, तो क्षमा करना जरा उस चूक के लिए। तो मैं एक पॉइंट क्या बता रहा था कि आपका सीड कैसे बनाता है, सीड कोट और एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो कैसे बना रहता है, रेडिकल प्यूम्यूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन जो होते हैं, अगर संख्या में दो रहे तो वो डायकॉट रहता है, संख्या में एक रहा तो वो मोनोकॉट रहता है। संख्या में एक रहा तो मोनोकॉट, दो रहे तो डायकॉट। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पा रहा हूं। तो अब देखते हैं डायकॉट। सबसे पहले अपन डायकॉट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और फिर अपन मोनोकॉट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो डायकॉट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, डायकॉट सीड कैसा रहता है। डायकॉट सीड का मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर बताऊं तो आपका स्ट्रक्चर डायकॉट सीड का कुछ ऐसा रहता है। डायकॉट सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। ये येलो जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके स्ट्रक्चर की तरह डायकॉट का, इस स्ट्रक्चर के जैसा डायकॉट सीड रहता है। इसके एक और दो जो मैंने मार्किंग करी है, इसका फर्स्ट कॉट, सेकंड कॉटिलेडॉन फर्स्ट, कॉटिलेडॉन सेकंड, इस तरह से ये दो कॉटिलेडॉन रहते हैं, दो कॉटिलेडॉन रहते हैं। यहाँ पे उसके डायकॉट के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले अपन उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये अपन ने जो देखा डायकॉट, मैंने आपको सिर्फ बेसिक बता दिया कि डायकॉट दिखता कैसे है। अब मैं आपको इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में, अभी जो मैं आपको रेड से मार्किंग करके अभी बता रहा हूँ ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ये पान की दुकान के ऊपर पान बना रहता है वैसा चना, यदि कैसा रहा है कि भैया ये चना कम और पान की दुकान पर जो पान रहता है ना वैसा दिख रहा है ये। अब इसके ऊपर ऐसा पान बना दो, या लिख दो पान भंडार, है ना जी, ऐसा जस्ट जोक। एनीवेज, हाँ, तो आपका ये जो अभी मैंने मार्किंग करी, ये वाला जो था, अब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास जो आता है वो है सीड कोट। सबसे पहले अपन सीड कोट के बारे में बात करते हैं। सीड कोट जो होता है, इट इज द आउटर लेयर, इट इज द आउटर लेयर। सीड कोट जो होता है उस सीड की प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, जो दो हिस्सों में विभाजित रहती है। एक उसकी आउटर लेयर रहती है और एक उसकी इनर लेयर रहती है। दो लेयर्स में विभाजित रहती है, एक उसकी आउटर लेयर रहती है, एक इसकी इनर लेयर रहती है। जो उसकी आउटर लेयर रहती है, जो उसकी आउटर लेयर रहती है उसको अपन टेस्टा कहते हैं। जो आपके सीड कोट की आउटर लेयर रहती है उसको हम टेस्टा कहते हैं, और जो सीड कोट की इनर लेयर रहती है उसको हम टेगमेन कहते हैं। जो सीड कोट की आउटर लेयर रहती है उसको टेस्टा कहते हैं, और जो सीड लेयर, इसके सीड कोट की इनर लेयर रहती है उसको हम टेगमेन कहते हैं, उसको हम टेगमेन कहते हैं। तो आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर को हम टेगमेन कहते हैं। सीड कोट के अंदर और सीड कोट के बाहर, मतलब सीड कोट के अंदर जो इनर लेयर टेगमेन, आउटर लेयर टेस्टा, ये हो गया। सीड कोट से थोड़ा सा नीचे एक स्कार जैसा रहता है सीड कोट के ऊपर, सीड कोट के नीचे, मतलब सीड के नीचे, सीड कोट के ऊपर, सीड के नीचे, सीड कोट के ऊपर एक स्कार रहता है, एक दाग रहता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं, जिसे हम हाइलम कहते हैं, ये हाइलम। तो हाइलम रिप्रेजेंट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग फ्रूट विद द डेवलपिंग सीड विद द फ्रूट, डेवलपिंग सीड विद द फ्रूट। यानी
जिस साइड पे आपका सीड फ्रूट के ऊपर अटैच था उसको जब तोड़ेगे तो एक ऐसा स्कार दिखता है वो सीड के ऊपर, तो वो साइड पे ही आपका वो सीड फ्रूट में उस फ्रूट के ऊपर अटैच था। मैं आपको इमेज के माध्यम से बताऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये लोबिया का दाना है। ये लोबिया आपके जो हम लोग चौली बोलते हैं हमारे यहाँ पे नॉर्थ में इसको लोबिया बोलते हैं, तो ये कुछ इस तरह से रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं ये वाला डायग्राम देखिए कि इस पे ये आपका सीड कुछ इस तरह से है, इस प्रकार से है ये सीड, है ना। तो ये जो आपको ब्लैकिश पार्ट जो दिख रहा है, जो ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है ये ब्लैकिश, इस पार्ट पे ये आपका आपका हाइलम होगा जहाँ पे ये आपके फ्रूट के अंदर उसके अटैच्ड होगा, उसके फ्रूट के अंदर वह सीड अटैच्ड होगा। अगर आप मटर की फली को भी तोड़ेंगे तो मटर की फली पर भी एक सफेद सा स्कार होगा, बहुत छोटा स्कार होगा, बहुत माइनर स्कार होगा, ध्यान से देखने पे दिखेगा। तो वो उस जगह पर रहता है जिस जगह पे आपने मटर की फली में से उसको तोड़ा था, उस जगह पर रहता है। तो आप इस चीज को डेली लाइफ में इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हाइलम इज द स्कार ऑन द स्कार ऑन द सीड विच रिप्रेजेंट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग सीड विद द फ्रूट। आई होप मैंने हाइलम वाला पॉइंट भी समझा दिया है आपको। चलते हैं माइक्रोपाइल के ऊपर। माइक्रोपाइल क्या रहता है? माइक्रोपाइल जो होता है हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर रहता है, हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर रहता है जो आपके O2H2O के अब्सॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है जब वो सीड आपके जमीन के अंदर रहता है। ये हाइलम मतलब देखिए सीड और प्लांट ने इतने आगे की तैयारी कर रखी कि भैया सीड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि भैया ना अपने को बाद में जब इसको सीड को वापस से अंकुरित होना रहेगा तो ये पानी, उसको जो पानी और ऑक्सीजन लगेगा मट्टी के अंदर रखने के बाद, उसको गाड़ने अपने पौधा मतलब उसको गाड़ने के बाद, उसको प्लांट करने के बाद, तो भाई उसको एक स्मॉल पोर चाहिए जिससे H2O2 का उसको सप्लाई मिले। तो वो सप्लाई अपने को माइक्रोपाइल देता है, वो अपने को माइक्रोपाइल देता है। द स्मॉल पोर अबव द हीलियम विच इज द साइट ऑफ H2O2 absorption when the soil is in the seed is in the soil is known as micropyle. I hope मैंने point आपको समझा दिया है। तो अपन ने seed core देख लिया जिसमें testa और tegument थी, अपन ने hilum देख लिया जो site of attachment of developing seed in the fruit, यानी वो scar जैसा seed के ऊपर जो scar रहता है जिसके ऊपर आपका जिसके जो आपके जिस जगह पर आपके वो fruit में attached थी वो scar दर्शाता है seed के ऊपर का, वो उसको अपन hilum कहते हैं। और वही hilum के ऊपर आपका एक छोटा सा पोर रहता है जो आपके H2O2 की सप्लाई के लिए काम आता है, वो अब्सॉर्प्शन के लिए, वो होता है आपका माइक्रोपाइल। तो मैंने आपको इस बेसिक आउटर स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया। चलते देखते हैं अगले स्लाइड पे इनर स्ट्रक्चर के बारे में, सीड के इनर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। चलिए हाँ हाइलम का मैं दिखा दूं एक बार, हाइलम के बाद नहीं, हाइलम के बाद फिर अपना ये रहेगा ना क्या कहते क्या नाम था उसका माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो ये जो मैं वाइट कर रहा हूँ अभी, ये वाइट किया मैंने अभी, ये वाइट किया अभी, ये इसके ऊपर रहता है, ये ऊपर रहता है। तो ये कैसा रहता है? ये इसके ऊपर रहता है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा पोर रहता है जो आपके O2H2 अब्सॉर्प्शन में काम आ जाता है। तो माइक्रोपाइलेट का मैंने डायग्राम में भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, इनर पार्ट यानी अपने एम्ब्रियो के बारे में देखते हैं। तो एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द सीड कोट, द सीड कोट is covering the embryo, the seed coat is within the seed coat is the embryo consisting of the embryonal axis and two cotyledons, yani embryonal axis, abhi apan dicot seed ki baat kar rahe the two cotyledon rahenge right, to apna seed coat ke andar embryo covered hai, seed coat ke andar embryo covered hai, to seed coat ke andar embryo covered hai, to jo embryo rehta uske andar do cheeze rehti hai, ek aapka embryonal axis rehta aur ek aapke dicotyledons rehte ya monocot rehte, abhi ye case mein apne paas do dicotyledons ke bare mein dekh rahe, to apne paas do cotyledons rahenge, तो इसमें अपने पास यहाँ पे दो कॉटिलेडॉन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस की, सो एम्ब्रियोनल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है इमेजिनरी लाइन रहती है जो आपके रेडिकल और प्यूमुल के बीच में से पास होती है, रेडिकल और प्यूमुल के बीच में से पास होती है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं रेडिकल और प्यूमुल, रेडिकल और प्यूमुल जो होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। जो रेडिकल रहता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के निचले एंड पे प्रेजेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और जो
प्यूम्यूल रहता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपरी एंड पे प्रेजेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जैसे पेड़ आते हैं तो पेड़ में कैसा रहता है, जो शूट आता है वो ऊपर आता है, जो रूट्स आती है वो नीचे आती है, तो जो पार्ट पे रूट्स आती है वो आपका रेडिकल है, जो पार्ट से शूट आती है वो आपका प्यूम्यूल है, तो प्यूम्यूल जो रहेगा जाहिर सी बात है वो थोड़े से ऊपरी भाग पे रहेगा और जो रेडिकल रहेगा वो थोड़े से निचले भाग पे रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस के हिसाब से, है ना जी। आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस के ही आजू बाजू दोनों कॉटिलेडॉन्स रहते हैं, एक साइड से एक कॉटिलेडॉन रहता है, दूसरे साइड से दूसरा कॉटिलेडॉन रहता है। फिर आगे ये है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसके क्या है, हाँ इस पे नेक्स्ट लाइन, द कॉटिलेडॉन्स आर ऑल ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ फूड रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी कॉटिलेडॉन जो रहते हैं फ्लेशी नेचर के रहते हैं, कॉटिलेडॉन जो रहते हैं वो फ्लेशी नेचर के रहते हैं यूजुअली, और आपके उनमें फूड रिजर्व्स रहते हैं, फूड मटेरियल जो बना था उसको स्टोर करके रखते हैं जिससे वो सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, जब वो सॉइल में आपका सो करा गया है तब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें फूड के रिजर्व मटेरियल्स रहते हैं। एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्यूम्यूल, एम्ब्रियोनल मैंने जैसे बताया एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों एंड्स पे आपके एक एंड पे प्यूम्यूल रहेगा और एक एंड पे रेडिकल रहेगा। कुछ सीड जैसे कैस्टर में जो एंडोस्पर्म रहता है इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरेज टिश्यू एंड इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्मिक टिश्यू, एंडोस्पर्मिक सीड सॉरी, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एज द एंडोस्पर्मिक टिश्यू, यानी कुछ सीड्स कैस्टर जैसे कुछ सीड रहते हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा एंडोस्पर्म को फॉर्म किया जाता है, ये जो एंडोस्पर्म रहता है आपका वो डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बना हुआ रहता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है अब समझ लीजिए इस बात को, डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले लेक्चर में थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो जैसे अब अपने पास दो वो है, दो अपने पास दो अपने जो एम्ब्रियो रहते हैं एम्ब्रियो नहीं सॉरी अपना जो ओव्यूल्स रहते हैं ओव्यूल्स के अंदर दो वो रहते सेल्स, एक तो हैप्लॉयड एक्सेल रहता और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस रहता न्यूसेलस रहता, तो जो न्यूसेलस रहता तो न्यूसेलस जो रहता आपका न्यूसेलस को आप जब पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज होता है तो वो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्सेलस ऐसा बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है वो, न्यूक्लियस न्यूसेलस से न्यूक्लियस बनता है और फिर वो न्यूक्लियस से फिर क्या बनता प्राइम और आगे डेवलप होकर क्या बनता प्राइमरी एंडोस्पर्मिक प्रोटोप्लाज्म ऐसा बनता है, ठीक है ना जी। तो ये जो होता है आपका ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जब ये सीड आपका सो होता है ना जमीन में तब के स्टेज में ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कुछ सीड में डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है जो अपन ने अभी देखा, ये आपको पार्ट जो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन बोल के एक पूरा यूनिट है उसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा विद द टर्मिनोलॉजीज। तो कुछ सीड में कैस्टर जैसे सीड्स में एंडोस्पर्म फॉर्म किया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा, जो फूड शेयरिंग टिश्यू फूड स्टोरिंग टिश्यू है और एंडोस्पर्मिक सीड्स है तो उनको हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जो फूड स्टोरिंग सीड जिनमें जो फूड स्टोरिंग टिश्यू जिनमें होती है जो फूड स्टोरिंग टिश्यू जिन सीड्स में प्रेजेंट होती है उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, जिनमें फूड स्टोरिंग टिश्यू होती है उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। प्लांट्स सच एज बीन ग्राम पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स and these seeds are called as non-endospermous, yani bean gram pea aise pe jo beej rehte unme wo jab seeds jo hote mature ho jate to unme endosperm absent rehta hai, unme endosperm absent rehta hai mature hone ke baad, un seeds ke mature hone ke baad apna gram bean pea in seeds mein maturity ke baad endosperm jo hota hai wo absent rehta hai, to waise seeds ko hum non-endospermous kehte hai, waise seed ko hum non-endospermous kehte hai, hai na ji। Non-endosperms are those seeds where the endospermous tissue is absent in the mature form. ये ज़्यादातर जो होते हैं डाइकॉट में पाए जाते हैं और जो एंडोस्पर्मस सीड होते हैं वो ज़्यादातर आपके मोनोकॉट में पाए जाते हैं, एंडोस्पर्मस सीड ज़्यादातर करके मोनोकॉट में पाए जाते हैं, एक्सेप्शन उसका ऑर्किड है जो आगे अपने को देखने को मिलेगा, और नॉन एंडोस्पर्मस सीड जो होते हैं आपके डाइकॉट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, डाइकॉट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक बार वापस से इस पॉइंट को रिवाइज करा देता हूँ पेज पे के कि यह आपका डायकॉट कुछ ऐसा रहता है, डायकॉट के ऊपर से सीड कोट रहती है, एक हाइलम रहता है जहाँ पे वो उसका ओव्यूल उसके ओव्यूल जो जो पॉइंट पे ओव्यूल आपके
आपके ओवरी में अटैच थे वही प्लांट पॉइंट पे आपका सीड जो बनता है वही प्लांट पे आपका सीड आपका अटैच रहता है, तो उस पॉइंट साइट ऑफ अटैचमेंट को अपन हाइलम कहते हैं। साइट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते थे, हाइलम कहते थे। सीड कोट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें से आपकी एयर और एच टू ओ जाती जब वो सो होता है सॉइल के अंदर, है ना जी। फिर उसके बाद अगला आता है कॉटिलेडन, आपका इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट जो होता है कि भाई सीड कोट एम्ब्रियो द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, एम्ब्रियो सीड कोट द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, जो एम्ब्रियो रहता है वो सीड कोट द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, जो अपना एम्ब्रियो रहता है वो सीड कोट द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलेडॉन्स रहते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहती है और रेडिकल प्यूम्यूल रहते हैं। कॉटिलेडॉन जो रहते हैं या डायकॉट में दो रहते हैं जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, और अगले पेज के डायग्राम में आप देखेंगे कि डायकॉट से आपका कॉटिलेडॉन जो है मोनोकॉट में सिर्फ एक ही है, इसलिए उसको मोनोकॉट कहते हैं और डायकॉट को डायकॉट इसलिए कहते हैं, तो इसमें दो कॉटिलेडॉन्स है। फिर उसके बाद आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो आपका इमेजिनरी लाइन है जो रेडिकल प्यूम्यूल के बीच में से पास होता है, रेडिकल प्यूम्यूल दोनों एक एक एंड पे स्थित है, जो ऊपर के एंड पे जहाँ से आपका शूट निकलता है वहाँ पे प्यूम्यूल रहता है क्योंकि प्यूम्यूल से शूट निकलता है, और जो नीचे का एंड है उसमें से रेडिकल निकलता है, जहाँ से रेडिकल प्रेजेंट रहता है उसमें से रूट निकलती है, जहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है वहाँ पे से रूट निकलती है, इसलिए वो निचला एंड है ना जी। इन दोनों के बीच एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहती है जो एक इमेजिनरी लाइन है। ओके जी, ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया इट इज। और फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा कुछ सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। कुछ सीड्स में आपका डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है जो रिजर्व फूड मटेरियल की टिश्यू रहती है। ये रिजर्व फूड मटेरियल की टिश्यू जो होती है इसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये आपके मोनोकॉट्स में ज़्यादा करके पाए जाते हैं, लेकिन डायकॉट जो होते हैं इनमें ये नहीं पाए जाते, इनमें बीन ग्राम पी इनमें आपके नॉन एंडोस्पर्मिक टिश्यूज रहते हैं, इसलिए आपका जो वो था बीन ग्राम पी ये सब नॉन एंडोस्पर्मस थे, ये जो होते हैं ज़्यादा करके डायकॉट में ही पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। ओके जी, चलिए देखते हैं मोनोकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर। सो अ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज ऑर्किड्स दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। यानी मोनोकॉट सीड जो होते हैं ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी उनमें रिजर्व फूड मटेरियल की टिश्यूज प्रेजेंट रहती है मोनोकॉट सीड में। लेकिन ऑर्किड्स, जैसे ऑर्किड के जो फूल अपन शादियों में लगाते हैं वैसे वाले ऑर्किड्स, उनमें क्या होता है वो मैजेंटा कलर के फूल आते हैं ना, वो आप फूलों की दुकान पर बड़े महंगे रहते हैं वो, हाँ, तो वैसे ऑर्किड जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक रहते हैं, वो ऑर्किड जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक रहते हैं। इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। सीरियल्स यानी दालों के जो सीड रहते हैं, यानी मेज यानी आपके मक्के के जैसे, द सीड कोट जो होती है वो मेम्ब्रेनस रहती है और वो फ्रूट वॉल के साथ आपकी फ्यूज हो जाती है। आपने जब सीड मक्के के दाने को देखा होगा, कॉर्न को देखा होगा, तो उसमें से ऐसी कवरिंग जैसी रहती है, वो ऐसी आप उसको हाथ से आसानी से निकाल सकते हैं एक मक्के के दाने के ऊपर से। वो जो होती है वो आपका जो सीड की जो सीड कोट रहता है वो उसके फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हुई रहती है, है ना जी। एक अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं रहता है, वो सीड और फ्रूट वॉल एक साथ दूसरे को फ्यूज हुए रहते हैं। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड इट स्टोर द फूड। इनका जो एंडोस्पर्म रहता है वो बल्की रहता है और वो फ्रूट स्टोर करता है। जैसे अभी एनसीईआरटी में जो डायग्राम अपने को अभी गिवन है, ये देख सकते हैं अभी मक्के के दाने का ही डायग्राम है, ये जो है मक्के के दाने का ही डायग्राम है। अगर आप मक्के के दाने को खाए तो आपको उसके अंदर एक ऐसा सफ़ेद सफ़ेद भी कुछ मिलेगा, वो जो सफ़ेद रहता है वही उसका वो एम्ब्रियो रहता है हार्ड, है ना जी। तो मक्के का दाना अगर आप खाएंगे तो उसकी जो सीड कोट है वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं हाथ से, है ना जी। ये एक ऑब्जर्वेबल चीज़ है। दूसरा, थोड़ा सा उसको खाए दांत से, थोड़ा सा उसको ऐसा आधा आधा काटे, बहुत ही बारीक से काटना पड़ेगा उसको दांतों से, तो आपको एक ऐसा सफ़ेद सा स्ट्रक्चर उसके अंदर मिलेगा, तो वो उसका एम्ब्रियो रहता है, राइट, है ना। सो द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड इट स्टोर द फूड। यानी जो अपन पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न को ही देख लीजिए, पॉपकॉर्न के आजू बाजू जो येलो फूटता है पॉपकॉर्न, समझ लीजिए पॉपकॉर्न कुछ ये कलर का है मेरा, पॉपकॉर्न कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखता लेकिन इस तरह से ही दिखता है। तो आप देखेंगे कि भैया जो मेन आपका सीड था जिसको कड़क जो हार्ड पार्ट था वो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो आपका
अंदर जो आपका जो फुगा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फुगा इसलिए क्योंकि वो प्रेजेंट था, यानी उसमें फूड मटेरियल रिजर्व जो थे बहुत ज़्यादा थे, यानी उसकी एंडोस्पर्मस टिश्यू जो थी बहुत ज़्यादा थी, उसकी एंडोस्पर्मस टिश्यू जो थी बहुत ज़्यादा थी। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड इट स्टोर द फूड, इट एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर द फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनशियस लेयर, इट इज एलुरॉन लेयर। यानी अब मैं समझाता हूँ आपको कि अब अपने पास जो ये डायग्राम को देखिए, ये वाला डायग्राम को, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे ये पार्ट में एंडोस्पर्म है, ये पार्ट में एम्ब्रियो, ये पार्ट में एंडोस्पर्म, ये पार्ट में एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बहुत कम एरिया में रहता है, कॉर्नर में रहता है, यहाँ पे एक लाइन है एनसीईआरटी में, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड इज सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड इज सिचुएटेड एट द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, मतलब द एम्ब्रियो जो रहता है बहुत ही छोटा रहता है, वो ग्रूव में प्रेजेंट रहता है आपके एक एक कोने में एंडोस्पर्म में, ग्रूव के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जो बहुत ही छोटा रहता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े सीड में आखिरी कोने में कोई आपका एम्ब्रियो थोड़ा उधर प्रेजेंट रहता है, और उसके आजू बाजू सारा उसका फूड स्टोरेज एंडोस्पर्मिक फूड स्टोरेज रहता है। जो सारा एंडोस्पर्मिक फूड स्टोरेज होता है उसने एम्ब्रियो के साथ मिक्स नहीं हो जाना, इसलिए उसको उसके बीच में एक पार्टीशन बनाने वाले प्रोटीनिशियस लेयर को अपन एलुरॉन लेयर कहते हैं। व्हाट इज एन एलुरॉन लेयर? अ प्रोटीनिशियस लेयर विच सेपरेट्स द एम्ब्रियो विद द एंडोस्पर्म, विच सेपरेट्स द एम्ब्रियो विद द एंडोस्पर्म इज नोन एज एलुरॉनिक लेयर। एल्यूरोनिक लेयर के बाद आता है द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड वो तो पढ़ लिया अपन ने, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड एट द ग्रूव इन वन कॉर्नर ऑफ द एंडोस्पर्म, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड अ शील्ड शेप कॉटिलेडॉन विच इज नोन एज स्केलेटन। यानी आपका एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो का जो कॉटिलेडॉन होता है वो कभी भी याद रखिए आपका एंडोस्पर्म के अंदर नहीं रहता, आपका कॉटिलेडॉन जो रहता है आपका वो एम्ब्रियो के अंदर रहता है। कॉटिलेडॉन कभी भी याद रखिए एम्ब्रियो में रहता है। पिछले डायग्राम में अपन डायकॉट का जो देखा उसमें अपन देख सकते थे कि एम्ब्रियो जो था उसके अंदर आपके दोनों डायकॉट कॉटिलेडॉन्स थे, यानी दोनों डायकॉट दोनों कॉटिलेडॉन्स थे वन और टू, वो दोनों आपके एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट थे। तो यहाँ भी जो आपका अब यहाँ के केस में जो एम्ब्रियो है वो आपके इसके अंदर प्रेजेंट है मोनोकॉट के अंदर, क्योंकि मोनोकॉट और एम्ब्रियो मतलब जो एक ही कॉटिलेडॉन है ना, एक ही कॉटिलेडॉन एक ही एम्ब्रियो दोनों साथ में रह रहे है ना जी, वो इस प्रकार से कि मतलब समझिए एक कमरा है, मतलब समझ लीजिए कि कमरा नहीं, इसको कैसे समझाएंगे हम, मैं क्या एग्जांपल दे सकते कि भाई एक कमरे में दो जन है और एक फैन एक स्टैंडिंग फैन है और एक दो जन है, तो वो क्या होगा, दो जन और एक स्टैंडिंग फैन, यानी एक एम्ब्रियो और दो जन, और अपना वैसे ही वो एक वैसे ही एक जन नहीं एक जन चला गया भाग, तब कितने जन बचे, एक जन और एक स्टैंडिंग फैन, तो एक जन एक स्टैंडिंग फैन। वैसे ही डायकॉट के केस में दो कॉटिलेडॉन्स और एक एम्ब्रियो, और मोनोकॉट के केस में एक एम्ब्रियो और एक कॉटिलेडॉन है ना जी, ये आपका कुछ इस तरह से रहता है। और एम्ब्रियो के अंदर ही आपके कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, एम्ब्रियो के अंदर ही आपके कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर इन कॉटिलेडॉन्स को आपके शीथ प्रोवाइड करते हैं, शीथ शेप कॉटिलेडॉन इन केस ऑफ ग्रासेस इज नोन एज स्केलेटन, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड शीथ शेप कॉटिलेडॉन, यानी ढाल के शेप का कॉटिलेडॉन जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है उसको हम लोग स्केलेटम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं है ना जी, स्केलेटम के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट इज अ शीथ शेप कॉटिलेडॉन विच इज लार्ज एंड इज इज इन द एम्ब्रियो, इट इज इन द एम्ब्रियो, ये जो होता है एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है ना जी। फिर उसके बाद आते हैं कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। अपन ने देखा था कि एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पे आपका प्यूम्यूल रहता है और दूसरे एंड पे रेडिकल रहता है, एक एंड पे प्यूम्यूल रहता है और एक एंड पे रेडिकल रहता है। लेकिन ये जब अंकुरित होकर नीचे जाते तो इनके सेल्स डैमेज ना हो जाना, तो इनको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, इनके एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो एक आपका शीट होती है, प्रोटेक्टिव शीट होती है जो आपके इनको प्रोटेक्ट करेगा, जो आपके इनको प्रोटेक्ट करेगा, तो वो होती है
कोलियोप्टाइल लेयर। कोलियोप्टाइल जो होती है आपके प्यूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है और कोलियोराइजा जो होती है आपके रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। अब ये याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। आपने शब्द को देखना है, कोलियोप्टाइल में पी शब्द है और आपके प्यूम्यूल में भी पी शब्द है, तो पी फॉर प्यूम्यूल, पी फॉर कोलियोप्टाइल का पी फॉर कोलियोप्टाइल। वैसे ही आपका आर फॉर रेडिकल और आर फॉर कोलियोराइजा, क्योंकि कोलियोराइजा में भी आर आया हुआ है ना, तो ऐसे आपको याद रखना है कि कोलियोप्टाइल पूछा तो आपने बिना देखे प्यूम्यूल पे टिक कर देना है और कोलियोराइजा पूछा तो आपने बिना देखे रेडिकल पे टिक कर देना है, कि जो कोलियोप्टाइल रहता है वो प्यूम्यूल को अपने शीथ द्वारा प्रोटेक्ट करता है और जो रेडिकल रहते हैं वो कोलियोराइजा के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं अपने प्रोटीनेशियस शीथ के माध्यम से। ये हमने कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा का कंसेप्ट भी आपका क्लियर करवा दिया है। एक पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ मैं आपके, एलुरोनिक लेयर क्या थी? इट इज द प्रोटीनेशियस लेयर दैट सेपरेट्स द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने काम करता है। स्क्यूलेटम क्या रहता है? स्क्यूलेटम यानी आपका एम्ब्रियो के अंदर आपके, आपका जो एम्ब्रियो के अंदर आपके जो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है, आपके एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलेडॉन जो प्रेजेंट है उनको शीट शेप कॉटिलेडॉन यानी शील्ड शेप कॉटिलेडॉन यानी ढाल के जैसे शेप के कॉटिलेडॉन जो होते हैं आपके एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है उन कॉटिलेडॉन्स को आप लोग क्या कहते हैं? स्क्यूलेटम कहते हैं। स्क्यूलेटम कहते हैं आप उन कॉटिलेडॉन्स को। ये ग्रासेस के केस में ज्यादा होता है, जो बार बार टूट जाते हैं वो बार बार उगना पड़ता है, तो इनके केस में बहुत ज्यादा मात्रा में आपके स्क्यूलेटम पाए जाते हैं, एक ही कॉटिलेडॉन में रहता है। मोनोकॉट तो वैसे भी एक ही रहेगा ना कॉटिलेडॉन, तो वो एक ही उसी कॉटिलेडॉन में रहते हैं। ये अपना कंसेप्ट आई होप अपना क्लियर हो गया होगा। सीड कोट जो है मेम्ब्रेनस रहता है। हाँ, एक पॉइंट तो याद रखना है कि भाई मोनोकॉट में जो सीड कोट रहता है वो मेम्ब्रेनस रहता है और वो आपके फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाता है। सीड कोट जो होता है फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाता है। जैसे कि डाइकॉट्स में सीड कोट और फ्रूट वॉल दो अलग अलग चीजें रहती है, वैसे आपके मोनोकॉट में सीड कोट और आपका फ्रूट वॉल अलग अलग चीज नहीं रहती, एक साथ फ्यूज हो रहती है। लेकिन जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, आप जो चने खाते ठेले पे के चने खाते या मूंगफली खाते, मूंगफली या चने, हाँ, तो वो उसका आपका देखिए कवर रहेगी, तो फ्रूट वॉल अलग है और सीड कोट अलग है, लेकिन आपके मोनोकॉट में सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों के दोनों फ्यूज्ड है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये मोनोकॉटिलेडॉन्स वाला स्ट्रक्चर समझा होगा, मोनोकॉटिलेडॉन्स सीड का। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग फैमिलीज के बारे में देखेंगे। हम लोग उस फैमिलीज वाला जो लेक्चर है हम लोग उसे एनसीईआरटी 2023 के सिलेबस, 2023 के जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब हम लोग तीनों फैमिलीज के बारे में देखेंगे, है ना जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए, इसके डाउट्स पूछिए, इसके नोट्स बनाइए, इसके डायग्राम रफ पेंसिल से बनाइए, रफ फॉर्म में बनाइए, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, इसके नोट्स बनाकर इसके कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछिए और एमसीक्यू जरूर सॉल्व कीजिए। धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए।